अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 27 जुलाई को पूरे प्रदेश में 1 लाख से अधिक पौधे रोपित करेगी। ये बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कही। उन्होंने कहा कि वन मानव समाज के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इनका संरक्षण करना जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के मध्य कार्य करने के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी समय समय पर कार्य करती है। इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रदेश भर में 1 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में पौधारोपण अभियान चलाया है और परिषद पौधारोपण के साथ साथ उन पौधों को सुरक्षित रखने का कार्य भी करती है। प्रदेश भर में आगामी 27 जुलाई को 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश के प्रत्येक जिला और इकाई स्तर पर अपनी योजना बनाई है और साथ ही स्थानीय वन विभाग का सहयोग लेकर पौधारोपण हेतु स्थान भी चिन्हित किए हैं। प्रदेश भर में चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश आगामी 27 जुलाई 2019 को पूरे प्रदेश भर में पौधारोपण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग होने का एहसास इस कार्यक्रम के माध्यम से करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिन विद्यार्थी परिषद ने 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अलावा अन्य लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 27 जुलाई के दिन स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट और सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ मिलकर पूरे हिमाचल प्रदेश में 1 लाख वृक्षारोपण 27 जुलाई के दिन करने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगातार बदलता मौसम और इसको में पर्यावरण के प्रति सजगता छात्र छात्राओं में उजागर हो, यही इस पूरे प्रोग्राम का पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उसको चेक भी किया जाएगा कि कितना सर्वाइव कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार इस पर जो है वो चेक भी किया जाएगा। पिछले वर्ष की तरह जिस प्रकार शिमला की मैं बात करूं, पूरे प्रदेश में लगाए थे, शिमला में बात करूं तो 1000 पौधा लगाया था, जिसमें 95% पौधे जो है वो अभी तक लगे हुए हैं, तो इसको रेगुलर चेक भी इन पौधों पर किया जाएगा। इस बार पूरे प्रदेश में 1 लाख पौधा विद्यार्थी परिषद रोपने जा रहा है। राहुल राणा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट और विकासार्थी छात्र के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।